प्यारे बच्चों, आज हम बनाएंगे बटरफ्लाई शब्द से तितली या फिर बटरफ्लाई को कैसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस प्रकार से बटरफ्लाई लिखा हूँ वैसा आप लिखने की कोशिश करें, और फिर कुछ खड़ी और कुछ छोटी आड़ी लाइन बनाते हुए हम तितली का बीच वाला हिस्सा बना लेंगे। बाद में कुछ छोटी तिरछी और हल्की गोल लाइन बनाते हुए हम उन्हें जोड़ते हुए राइट साइड का पंख बनाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से हमें लेफ्ट साइड में भी छोटी छोटी तिरछी और हल्की गोल लाइन बनाते हुए हमें लेफ्ट साइड का पंख भी बनाने की कोशिश करना है। ध्यान रहे कि सिमेट्री के अनुसार हम दोनों ही पंख सरीके या फिर सेम टू सेम बनाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें दोनों ही पंख बनाने का काम बड़े ही ध्यान से और बड़े आराम से करना है। बाद में हमें कुछ हल्की छोटी और हल्की बड़ी या तिरछी लाइन बनाते हुए राइट साइड के पंख में सुंदर से डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, बस ठीक उसी प्रकार से हमें कुछ हल्की छोटी, हल्की बड़ी या हल्की तिरछी लाइन बनाते हुए हमें लेफ्ट साइड के पंख में भी सुंदर सा डिजाइन बनाने की कोशिश करना है। बस ध्यान रहे कि हमें सिमेट्री का भी ध्यान रखते हुए यह काम करना है। अब हम हल्की गोल लाइन निकालते हुए तितली के टेंड्रिल्स या एंटीना बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस तितली में सुंदर से अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट रंग भरेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।